गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे। ये उसके कुछ फॉर्मूले जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज हुआ था, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो आप सबको आता ही है, सेक्शन फॉर्मूला, इसके कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये लास्ट फॉर्मूला है, इससे हमारा फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या है, देखो कि जैसे आपके पास ये ए गिवन है, बी गिवन है, एक्स वन वाई वन, बी गिवन है एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये वाला पी एक्स वाई। अब की बार याद रखें, ये वाला पी इस लाइन के बिल्कुल ठीक मिड में है। जैसे यहाँ पर तो रेशियो था ना, यहाँ रेशियो नहीं गिवन है, यहाँ पर ये बिल्कुल मिड में है ये, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं पी, जब भी आपको ये कहेगा मिड पॉइंट निकालो तो कैसे निकालोगे, बस इन दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर दो बस, ठीक है, इसको और इसको प्लस करके टू से डिवाइड कर। कैसे, ये वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, इन दोनों को प्लस कर दो, टू से डिवाइड कर दो, सेकेंड वाला सेकेंड में प्लस कर दो और टू से डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2। पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लो अच्छे से। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, एक स्पोर्ट्स डे की एक एक्टिविटी हुई, जैसे गेम्स के होते हैं ना स्कूलों में, ठीक है, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी। ये आपके पास एक ग्राउंड है रेक्टेंगल की शेप में, ए बी सी डी, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, इसके बीच में ये लाइनें ड्रॉ की गई, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, 10, टोटल 10 लाइनें ये हमने ड्रॉ करी विद चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर एक के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर कहते हैं 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी। कहते यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए गए, यहाँ पर एक गमला रख दिया, यहाँ भी इस तरह से टोटल कितने हैं, 100 हैं, ठीक है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये भी 1 मीटर पे है, ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, निहारिका रन्स, निहारिका दौड़ लगाती है 1/4 डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन पर। कहते हैं कि निहारिका दौड़ लगाती है कितना, 1/4 डिस्टेंस कवर करती है ऑन द सेकेंड लाइन पर। निहारिका इस लाइन पर दौड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो सेकेंड लाइन पर, और कहते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर कर जाती है, 1/4, यहाँ से यहाँ तक कितने फ्लावर पॉट्स थे, 100, उसका चौथा हिस्सा, उसका फोर्थ पार्ट, 100 का फोर्थ पार्ट कितना हो जाता है, 25, और कौन सी लाइन पर दौड़ रही थी, सेकेंड लाइन पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन सा होगा, सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक तो ये सेकेंड लाइन पर जा रही है, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 220, ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। ओके बेटा नेक्स्ट लाइन, एंड पोस्ट्स पोस्ट ए ग्रेन फ्लैग, और कहते हैं कि यहाँ पर उसने ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया, ठीक है। प्रीत रन्स, अब एक और लड़की है प्रीत, जिसका नाम प्रीत है, रन्स दौड़ लगाती है 1/5 द डिस्टेंस ए डी ऑन द 8th लाइन। कहते हैं कि एक लड़की है प्रीत जो 8th लाइन पर दौड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है, 5th, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 100, 100 का 5th पार्ट कितना हो जाएगा, 20, और ये कौन सी लाइन पर दौड़ रही है, 8th लाइन पर, तो इसके कोऑर्डिनेट 8th और यहाँ पर ये 20, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने थे, 225, और इसके कोऑर्डिनेट कितने, 820, ठीक है। एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, और वो यहाँ पर ये रेड फ्लैग लगा देती है, यहाँ पर तो ग्रीन फ्लैग था, यहाँ पे रेड फ्लैग था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है ये बता दो, ठीक है, ये वाला ए लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला बी, कहते हैं दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये निकाल दो, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, कहते हैं रश्मि ने ब्लू फ्लैग लिया, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। कहते हैं जहाँ पर ये दो फ्लैग थे, रश्मि
इन दोनों के बिल्कुल बीच में दौड़ती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बीच में यहाँ पर दौड़ती है। कहता है कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। कहता है कि रश्मि इन दोनों के बीच में जाती है और यहाँ पर अपना फ्लैग लगाती है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कहते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी ये बताने, ये बिल्कुल मिड में है, ये ध्यान रखें। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है और ये मिड पॉइंट निकाल के दिखाना है, ठीक है। इसको पेपर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी डायग्राम को मैं पेपर पे बनाता हूँ। देखो देखो एक तो उसने कहा था कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फार्मूला, इधर से फर्स्ट नंबर ले लो, इधर से फर्स्ट नंबर, दोनों को माइनस करो, ऊपर स्क्वायर, यहाँ से सेकंड नंबर 20, सेकंड नंबर 25 और ऊपर ये स्क्वायर ले लो और दोनों के ऊपर रूट लगा दो, ठीक है। ए बी 8 - 2 = 6, ऊपर स्क्वायर हो गया, 20 में से 25 माइनस कर दो तो -5, ऊपर ये स्क्वायर हो गया, 6² = 36 माइनस स्क्वायर प्लस 5² = 25, ठीक है। 6 और 5 = 11, 5 और 1 कितना हो जाएगा, √61, ठीक है, यूनिट मीटर आ जाएगा, ठीक है, मीटर में था ना क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अब उसने क्या कहा था, ये मिड पॉइंट निकाल के दिखा दो। तीसरी लड़की थी वो मिड में दौड़ रही थी ना, तो मिड में कौन सी पोजीशन पर वो बताना है। मिड पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी अभी, क्या कि दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इधर से फर्स्ट नंबर, इधर से फर्स्ट नंबर, 2 + 8 / 2, इधर से सेकेंड नंबर 25, इधर से सेकेंड नंबर 20 और डिवाइड बाई कितना, 2, ठीक है। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, इन दोनों को प्लस कर लो, 45 / 2, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 5, 2 से डिवाइड, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। एक तो मिड पॉइंट निकालना था और दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करके दिखाना था। ओके, क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो सर सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड है। देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। देखो एक लाइन ये गिवन है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है -3, 10, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 और -8, क्लियर। कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है पी, -1, 6। कह रहे हैं कि रेशियो निकाल कर दिखा दो। पहले क्वेश्चनों में क्या होता था कि ये दोनों पॉइंट गिवन होते थे, ये निकालना था, लेकिन अब की बार क्या है कि तीनों पॉइंट दे रखे, रेशियो पॉइंट करके दिखाने इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, देखो कैसे, लेट रेशियो विल बी के रेशियो 1। जब भी वो रेशियो फाइंड करने के लिए कहेगा तो आपने के रेशियो 1 लेकर ही चलना है, याद रखें, ठीक है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है यूजिंग सेक्शन फार्मूला। कैसे सिखाया था, इसको लिख लें x1 y1, यहाँ पर x2 y2। कैसे, देखो पहले ये वाला P लेफ्ट साइड पर लिखे P -1, 6, ठीक है। फिर इस रेशियो को 4 टाइम्स लिख दो, ठीक है। पहले यहाँ पर K + 1 डिवाइड में K + 1, 4 टाइम्स लिखो K + 1 डिवाइड में K + 1। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं x1, यहाँ पर x2, तो x1 कितना है यहाँ पे -3, x2 की जगह 6 लिख दो, यहाँ पर आएगा y1 कितना हमारे पास 10 और y2 कितना है हमारे पास -8, क्लियर बेटा। चलो अब आप क्या करेंगे, इधर से फर्स्ट नंबर के इक्वल लिख दो, ये वाला सेकंड नंबर के इक्वल लिख दो। देखो इधर से फर्स्ट नंबर ले लो -1, यहाँ से फर्स्ट नंबर 6 के ये -3 हो जाएगा डिवाइड में K + 1, ऐसे यहाँ से 6 ले लो, इधर से सेकेंड नंबर -8 के 10 डिवाइड बाई K + 1। अब आपने क्या करना है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व नहीं कर रहे, एक पार्ट कर रहे हैं, चाहे इस पार्ट को सॉल्व कर लो चाहे आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी है,
ओके बेटा क्लियर। तो मैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। क्रॉस करो, ये डिवाइड है, इतना आएगा तो मल्टीप्लाई, माइनस वन के प्लस वन सिक्स के माइनस थ्री, ब्रैकेट खोलो, माइनस वन के माइनस वन सिक्स के माइनस थ्री, के वाले टर्म लेफ्ट में ले आओ, माइनस वन के माइनस सिक्स के वन राइट में ले जाओ, माइनस थ्री प्लस वन, तो ये माइनस सेवन के हो जाएगा, माइनस टू, दोनों तरफ माइनस से कट हो गया, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, टू बाई सेवन। ओके बेटा, तो के की वैल्यू आ गई, इस के को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो के की वैल्यू कितनी आ गई, टू बाई सेवन, के नीचे वन लगा सकते हैं ना, तो इस के को ऐसे लिख सकते हो के रेशियो वन, और इसको कैसे लिखेंगे, टू रेशियो सेवन, दिस इज योर आंसर। तो ये रेशियो के रेशियो वन की कितनी रेशियो बन गई, टू रेशियो सेवन, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा क्लियर। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। फर्स्ट वी विल रीड दिस स्टेटमेंट, फाइंड द रेशियो। इस क्वेश्चन में भी देखो रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी, कह रहे ए और बी को ज्वाइन कर दो, रेशियो निकाल दो, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, कह रहे इस लाइन को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना है, इस एक्स एक्सिस से डिवाइड करना है, देखो यहाँ से ए ये बी, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट वन माइनस फाइव, बी के कोऑर्डिनेट माइनस फोर फाइव, रेशियो फाइंड करनी है, यहाँ पर है पी, और ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस पर है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट जीरो होगा, अगर वो ये कहता कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कहेगा तो जीरो, याद रखें एक्स एक्सिस कहेगा तो एक्स कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस कहेगा तो जीरो कॉमा वाई लेना है, क्लियर। तो कहता है कि इस क्वेश्चन में रेशियो पॉइंट करके दिखा दो, तो लेट कर लेते हैं, रेशियो किसके इक्वल है, के रेशियो वन के, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा के रेशियो वन लेना है, ठीक है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया, राइट हियर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो इसको आप लेफ्ट साइड पर लिखें पी एक्स जीरो, राइट के रेशियो वन फोर टाइम्स के प्लस वन डिवाइड बाय के प्लस वन, के प्लस वन डिवाइड बाय के प्लस वन, राइट हियर एक्स वन, एक्स वन इज वन, राइट हियर एक्स टू, एक्स टू इज माइनस फोर, राइट हियर वाई वन, वाई वन इज माइनस फाइव, एंड हियर वाई टू इज फाइव। ओके, टेकिंग फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल लिख लो, सेकेंड टर्म सेकेंड के इक्वल, तो इधर से फर्स्ट टर्म एक्स, इधर से फर्स्ट टर्म माइनस फोर के वन डिवाइड बाय के प्लस वन, ठीक है, सेकेंड टर्म जीरो, सेकेंड टर्म ये वाली, तो राइट हियर फाइव के माइनस फाइव एंड डिवाइड बाय के प्लस वन, ठीक है, दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लो, तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ये डिवाइड में इतना आएगा तो मल्टीप्लाई, जीरो के प्लस वन इज इक्वल फाइव के माइनस फाइव, जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, जीरो फाइव के माइनस फाइव, इस फाइव को लेफ्ट में ले आओ, प्लस फाइव के, फाइव से डिवाइड कर दो, फाइव बन गया फाइव, तो के की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो के रेशियो वन किसके इक्वल हो जाएगा, वन रेशियो वन, के वन है ना, तो वन रेशियो वन हो गया। ओके बेटा क्लियर है। नेक्स्ट, अब उसने आगे क्या कहा है पढ़ो, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कहता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट भी फाइंड करके दिखा दो, पी एक्स जीरो, इट मीन की एक्स निकालो, इस के की जगह वन यहाँ पुट कर दो, के की जगह वन पुट कर दो, के की जगह वन प्लस वन, तो यहाँ से कितना बन गया, माइनस फोर प्लस वन, वन और वन टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस थ्री बाय टू, मेरे को कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना था, ये वाला, तो यहाँ से पी एक्स जीरो, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, माइनस थ्री बाय टू और ये जीरो, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके बेटा क्लियर क्वेश्चन। चलो बेटा अब ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप करने, एग्जाम्पल नंबर सेवन है, एग्जाम्पल नंबर नाइन्थ है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन है इसमें।
ठीक है, तो उसी मेथड से आप करें तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, ओके।